मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मुस्तफ़ा को सॉलिड फूड्स पे शिफ्ट करवाना स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली यू आर ऑलवेज ट्राइंग न्यू रेसिपीज, क्योंकि माशाल्लाह से ही हमारे बच्चों के इतने नखरे हैं। मुस्तफ़ा चुप कर जो तो मैं बता रही थी कि इनके इतने नखरे हैं कि इन्होंने एक दिन एक चीज़ खानी है फिर अगले दिन नहीं खानी। यहाँ पे मैं उसके लिए एप्पल प्यूरी बना रही थी, जिसके अंदर मैंने सोचा कि पहले थोड़े से ओट्स डाल लेती हूँ। अगर आपके पास ओट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, आप ऐसी एप्पल प्यूरी बना के उनको खिला दें। मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि यार लेट्स यूटिलाइज इट, तो मैंने थोड़े से ओट्स डाले हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद मैंने तकरीबन आधा ग्लास उसमें पानी डाला है ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास ओट्स नहीं पड़े हुए ना तो आपने वैसे ही सेब का छिलका वगैरह उतार लेना है, उसको बारीक बारीक काट के उसको हल्का सा पानी डाल के स्टीम कर लें ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसको मैश करके या ग्राइंड करके बच्चों को खिला दें। ये हेल्दी भी होता है ऑब्वियसली, यार फ्रूट्स तो हेल्दी ही होते हैं। सब कहते हैं कि सेरेलैक ना खिलाओ, बल्कि ये जो है ना फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह की प्यूरी खिलाओ। ढूंढ ढूंढ के मुझे इतनी मुश्किल से मिला है ना ये सिलिकॉन स्पून, मैं बता नहीं सकती कितना औखा ढूंढा है मैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा होता है, अगर बच्चे मतलब मुंह में ज्यादा जोर से भी ले लें ना तो उनको ज्यादा हर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मेरा जो है ना एप्पल और ओट्स थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, अब यहाँ पे मेरे पास ये ग्राइंडर पड़ा हुआ है तो मैं इसको उसी के बाउल में डाल के ना हल्का सा ग्राइंड कर लूंगी, और बस ये हमारी जो एप्पल ओट्स प्यूरी है वो तैयार हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो बहुत गर्म है, तो मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मैं ना हमेशा मुस्तफ़ा को तैयार करते हुए ना मतलब कपड़े शपड़े पहना देती थी, हालांकि मैंने उसके शूज़ वगैरह लिए हुए हैं लेकिन मुझे कभी नहीं याद रहते थे शूज़ पहनाना। वो तो जब मैं चली जाती थी तो मुझे याद आता था ओहो मैंने तो इसको जूते नहीं पहनाए। पहले हमें थोड़ा सा ये भी होता था कि यार छोटा सा बच्चा है, गर्मी लगेगी, इरिटेशन होगी उसको इस वजह से, तो अब मैंने सोचा कि नहीं यार मैंने इसको शूज़ पहनाने हैं क्योंकि बड़े प्यारे लगते हैं। और लिटरली इतना टाइम मुझे उसको पूरे कपड़े पहनाने में नहीं लगा जितना टाइम मुझे उसको शूज़ पहनाने में लगा। इतनी मैं कोई भुलक्कड़ हूँ ना, लेकिन मैंने एक दफ़ा एक मतलब जाते हुए शूज़ पहनाए और अगले दिन मैं फिर भूल गई, और फिर मुझे बाहर जाके निकल के अफसोस हो रहा था कि ओहो शूज़ तो पहनाए नहीं। अच्छा यार, और एक बात ना मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि लाइक इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम लाइक मी, तो आपको यार कोई भी बात ऐसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। पीपल आर गोना लाइक एडवाइस यू अ मिलियन थैंक्स। मतलब ऑब्वियसली यार एक तो हमारी सोसाइटी का कुछ माहौल भी ऐसा है, ऊपर से पाकिस्तान में मतलब लोग आपको इतनी बातें करेंगे, एक तो बंदा पहले ही जरा बेबी की वजह से लाइक आपकी पूरी रूटीन ऊपर नीचे हुई पड़ी होती है, फिर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज़ का, और फिर आपको लोग इतने मशवरे देंगे आप इसका सर बिठाएं। मुझे याद है जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ था ना वो थोड़ा सा कमज़ोर सा था, तो जो भी हमारे घर आता था ना लाइक कोई आंटीज़ वगैरह, तो वो फौरन मुझे कहना उन्होंने कि ये तो बहुत कमज़ोर है, इसका तो कोई वजन ही नहीं है। तो नो डाउट उस टाइम आपको गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या तरीका है, आप ऐसे किसी का बच्चा उठा के थोड़ी आप इसको कह सकते हो कि इसका माथा बिठाओ, इसका सर बिठाओ, इसका नाक दबाओ, इसका नाक इस तरह का है, इसका वजन नहीं है। और तो और अब मैं आपको बताऊंगी मेरा इनबॉक्स इन बातों से भरा रहता है कि आप बच्चे को स्क्रीन टाइम ना दें, आप बच्चे को मीठा ना खिलाएं, आप इसको चीनी ना दें, आप इसको ये ना करें। ऑब्वियसली ना नो डाउट कि ये बातें किसी ना किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं सच में बताऊं आई टेक एडवाइस। मैं वाकई मैं ऐसी नहीं हूं कि मतलब मैं कोई अच्छी बात सुनती हूं तो मैं कहूं नहीं जी नहीं मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा, लेकिन समटाइम्स आई गेट इरिटेटेड। तो मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूं कि यार यू आर नॉट द ओनली वन गोइंग थ्रू स्टफ लाइक दिस, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब आप जिस भी स्टेज पे ना लाइफ में आपको मशवरे तो वैसे मिलते ही रहते हैं, तो बेबी के बाद तो मुझे लगता है लोग ज्यादा ही वो स्टार्ट हो जाते हैं ना। इनफैक्ट मैं आपको सीरियस बताऊं, मेरी भाभी है ना लाइक मूसा, मैं उनको अक्सर आयशा भाभी को भी मैं समटाइम्स बोल देती हूँ कि यार आप इसको मोबाइल ना दें, आप इसको बोतल ना पिलाएं। जो अच्छी बातें हैं जो आप समझते हैं कि यार आपके बच्चे के लिए अच्छा है तो वो आप लाजमन अडॉप्ट करें, और जो बातें आप समझते हैं ना कि यार पीपल आर जस्ट मेकिंग स्टफ लाइक दिस तो लेट्स इग्नोर इट। और आज मैंने इतना कोई दिल लगा के तैयारी किया ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं ऐसे ही मतलब मेरा मूड ना हो ना तो मैं ऐसे बाहर चली जाती हूँ, और बाहर जाके मुझे रिग्रेट हो रहा होता है कि यार आई शुड हैव गेट ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली। तो यार सच में अगर आपको ऐसे पहले स्टार्ट में ऐसे घर में सुस्ती हो रही हो ना कि नहीं यार तैयार नहीं हुआ जा रहा, ये नहीं हुआ जा रहा, तो मतलब पहले बंदा ऐसे थोड़ी सी हिम्मत वगैरह करके तैयार शेयर हो जाएगा तो यू फील एक्टिव फ्रेश, और फिर बाद में आपको इस तरह रिग्रेट भी नहीं होता। और माशाल्लाह 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 लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नज़र वगैरह लग जाती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि नज़र तो यार सबसे पहले अपनी ही लगती है, क्योंकि हमें अपने ही बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। और लोगों के क्या लगने हैं यार, दुनिया हुसन खूबसूरती से भरी पड़ी है, आप गोरों के बच्चे देखो तो आप हैरान हो जाओ। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जब मैं मॉल वगैरह में जाती थी तो यार मैंने गोरों के बच्चे देखने अल्लाह मैं सोचती थी अल्लाह हुसन खत्म है इन लोगों पे, मतलब ब्लू आईज गोल्डन बाल, और तब मैं सोचती थी इनको तो नजर लगती नहीं है, पता नहीं हमारे बच्चों को क्यों लग जाती है। अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि यार गोरे खूबसूरत थोड़ी होते, इनकी स्किन देखो फलानी ढिमकानी। नहीं यार मैंने जितने गोरे देखे ना समटाइम्स मतलब सच में बड़े खूबसूरत होते हैं, उनके बच्चे तो इतने खूबसूरत होते हैं ऐसे लगता है लाइक ऐसे छोटे छोटे मतलब एंजल्स हैं। और मजे की बात जितने हम लोग को उनकी स्किन अट्रैक्ट करी होती है ना लाइक वाइट वाइट, उतनी उन लोगों को लाइक दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्राउन। ये एक ड्रिंक और नहीं मैडम, और नहीं ड्रिंक स्टैंडर्ड मैंने विद मील करवाया।
तो ये भी कि अगर आप कभी KFC जाएं और लाजमन अपना ऑर्डर वगैरह रीचेक कर लिया करें, क्योंकि समटाइम्स वो भूल भी जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इंसान है. आई डोंट ब्लेम देम. कुछ लोग होते हैं ना, दे शाई टू आस्क, लाइक मतलब होता है ना कि आपको ऐसी शर्म आ रही होती है. मुकीत का ये हाल था. मैं अगर मैं कभी सुशी वगैरह लेती थी ना, तो मैं उनको कहती थी ना मुझे एक एक्स्ट्रा सॉस दे दे, तो लिटरली उनको वो एक्स्ट्रा सॉस मांगते हुए शर्म आती थी. वो कहते थे खुद मांग लो, मैं तो नहीं मांगूंगा. मतलब इट्स नेचुरल यार. कुछ लोग होते हैं, मैं भी किसी जमाने में बड़ी शाई थी, मुझे ऑर्डर देते हुए भी शर्म आती होती थी. बट इवेंचुअली यू लर्न एंड यू ग्रो एंड यू कीप ऑन लाइक क्या कहते हैं उसको, ओह यस, यू कीप ऑन ग्रूमिंग. अब इससे पहले कि आप लोग मुझे ये बोलेंगे एक छोटा सा बेबी है उसको आइसक्रीम क्यों खिला रहे हैं, ठंडी है, गला खराब हो जाएगा, तो ये उसकी दादू का शौक हो रहा था और मैं कभी उनको मना नहीं करूंगी इस बात से. पीपल फीलिंग्स एंड दीज रिलेशनशिप्स आर डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट बीइंग ओवर कॉन्शियस. एंड यस, दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे. और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप टिकटॉक के ऊपर रिप्लाई नहीं करती हैं, तो ऑनेस्टली गाइज आई डोंट चेक माई टिकटॉक इनबॉक्स. यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.